एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी अपलोड्स तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी ये रेसिपी बहुत ही इजी है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं हुए हैं इसमें घर पर आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को तो ये बर्फ़ी बहुत पसंद आएगी तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें तो चलिए चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली हुई है और उसमें डालेंगे एक कप दूध आप जितनी क्वांटिटी में बर्फी बनाना चाहते हो उस हिसाब से ही आप क्वांटिटी मेजरमेंट लें अब मैंने यहाँ पर एक कप मिल्क पाउडर डाल लिया है सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर जब आप दूध में मिक्स कर रहे हों तो लम्ब ना पड़ने दें एक बार लम्स पड़ जाते हैं तो इन्हें दूर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक ट्रिक सिखा रही हूँ मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले आप मिल्क में मिल्क पाउडर को मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद गैस ऑन कीजिएगा ऐसा करने से लंप्स नहीं पड़ते हैं और आपको ईजी भी रहेगा इसे मिक्स करना और उसके बाद में इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए हाई फ्लेम पर इसमें बॉईल आने देंगे जैसे ही बॉईल आने वाला हो हम इसमें डालेंगे ये दो चम्मच देसी घी तो मैंने यहाँ पर घी डाल लिया है घी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें घी ऐड किया है तो घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है फ्लेम को इस टाइम हाई ही रखा हुआ है जैसे ही इसमें ज़्यादा उबाल आने लगेगा हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हमें बेसिकली इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती है धीरे धीरे आप देखेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा सात से आठ मिनट लगती है और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगती है तो ये देखिए अब इसमें उबाल आने लगा है तो ऐसी कंडीशन में हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इस टाइम आप इसे हाई फ्लेम पर ना रखें धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी अब थिक होने लगी है और ये जो साइड में अक्सर ये एक लेयर आ जाती है दूध की ये जो पपड़ी सी जम जाती है इसे भी साथ के साथ हटाते ज़रूर रहिएगा और इस तरीके से चलाते हुए ही आप इसे पकाएं ऐसा करने से जो पपड़ी है वो नहीं जमती है ज़्यादा तो इस तरीके से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब पहले से बहुत चेंज हो चुकी है ये पहले से बहुत थिक हो चुका है यानी कि गाढ़ा हो चुका है अब हम क्या करेंगे इस टाइम पर अब हम इसमें ऐड करेंगे देसी खांड आप चाहें तो इसकी जगह पर बूरा भी ऐड कर सकते हैं या फिर चीनी को भी पीस कर डाल सकते हैं एक कप ही ली है मैंने यहाँ पर बाकी आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब क्योंकि हमने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है तो ये पहले से थोड़ा पतला हो गया है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो गई है पहले से तो इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे लगभग पाँच मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी वापस से पहले जैसी आ जाएगी तब तक मैं यहाँ पर मलाई भी ऐड कर देती हूँ तो मैंने यहाँ पर टोटल आधा कप मलाई ऐड की है इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई से बर्फी में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है तो मलाई भी इसमें ज़रूर डालिएगा जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है मैंने वही मलाई यूज़ की है यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मलाई यूज़ की है अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोको पाउडर तो यहाँ पर मैंने तीन चम्मच कोको पाउडर ऐड कर लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लम्बस नहीं रहने चाहिए कोको पाउडर के इस बात का ज़रूर ध्यान रखें चाहे आप इस टाइम पर फ्लेम को स्लो कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो जो भी आप कोको पाउडर यूज़ कर सकते हो आप को भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी लगभग 10 से 12 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगी देखिए कढ़ाई का सरफेस बिल्कुल छोड़ दिया है और कितना सॉफ्ट और कितना क्रीमी टेक्सचर आया है इसका अब बस हम एक लास्ट इन्ग्रीडियंट डालने वाले हैं इसमें जो कि है अखरोट तो अखरोट को मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से देखिए चॉप कर लिया था आप चाहें तो इसकी जगह पर बादाम या फिर काजू भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं जैसे आपको टेस्ट के हिसाब से अच्छा लगे अब इसे मिक्स करने के बाद में फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जल्दी से एक ट्रे लेंगे और उस ट्रे में इस मिक्सचर को निकाल लेंगे ट्रे को आपको घी से बिल्कुल भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी और मलाई मिक्स है पहले से पकाते टाइम हमने डाल लिया था तो अब आपको इसमें एक्स्ट्रा ग्रीसिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसे अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड करेंगे अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है चॉकलेट बेग्ड ग्रेनोला अब क्योंकि हम चॉकलेट बर्फी बना रहे हैं तो चॉकलेट फ्लेवर के ही मैंने ग्रेनोला लिए हैं टेस्टी तो होते ही हैं ग्रेनोला हेल्दी भी होते हैं बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद है ग्रेनोला तो आप इसकी जगह पर ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं अब इसे हल्का हल्का इस तरीके से हम प्रेस भी कर लेंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए सबसे पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं हो जाता है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है मिक्सचर और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद में हम इसे फ्रिज में रख देंगे चार से छः घंटे के लिए जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और आप इस तरीके से इसके बर्फ़ी के पीसेस सकत कट कर सकते हैं जैसे भी साइज़ में आप चाहें और चॉकलेट बर्फी बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू